स्वागत है न्यूज 29 इंडिया में, मैं हूं साक्षी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। चंद्रामऊ में खेत में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग से किसानों की सैकड़ों बीघा पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर हुई जाग। अयोध्या के कनक भवन में धूमधाम से मनाया भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भी लिया जन्मोत्सव का आनंद। सिद्धपीठ जगत जननी माँ पूर्णगिरी देवी का मंदिर है, भक्तों की आस्था का केंद्र है। माँ पूर्णगिरी देवी की भक्ता से प्रेरित होकर फिल्म निर्देशक ने बनाई फिल्म। रुदौली तहसील क्षेत्र के ग्राम चंद्रामऊ में एक खेत में लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ट्रांसफार्मर में लगी आग ने खेत में खड़ी फसलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से किसानों की सैकड़ों बीघा पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकलों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किसानों की पूरी फसल जलकर राख हो गई थी। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। अयोध्या के कनक भवन में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। दोपहर 12 बजे से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में चैत्र के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को हुआ था। कहा जाता है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान के जन्म के पहले से ही कनक भगवान परिसर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। हजारों श्रद्धालु भगवान श्री राम के जन्म के समय के साक्षी बने। देश विदेश से आए श्रद्धालु राम भक्त अपने आप को राम जन्म उत्सव में शामिल होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। राम भक्तों में राम के जन्म को लेकर काफी उत्साह दिखा। ऐसी कथा है कि माँ सीता विवाह उपरांत जब अयोध्या आए तो सोने का भवन कनक भवन मुंह दिखाई के रूप में माँ कैकेयी ने सीता जी को दिया था। कनक भवन में कई वर्षों से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता रहा है। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कनक भवन को सजाया गया। लाखों की संख्या में आए राम भक्तों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने कई सारे इंतजाम किए थे। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। मेरे ऊपर ईश्वर की और हमारे पूर्वजों की विशेष कृपा और उनका पुण्य है जो आज इस अवसर पर मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ जो उपस्थित है अपने बड़भागी होने का को महसूस करें। सबको बहुत बहुत बधाई। राम ने व्यवस्थाएँ आपके सामने हैं। कल हम लोगों ने विस्तार से ब्रीफिंग की थी फोर्स की, मजिस्ट्रेटगण भी साथ में थे, अन्य विभागों के भी सभी अधिकारी थे। रात को मैंने और आईजी ने लगभग 1.5-2 घंटे तक ये बैठक ली थी और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पानी की, जो आप देख रहे हैं फर्श पर जो ये कालीन बिछी हुई है, चूँकि इस समय मौसम बदल चुका है, गर्मी का मौसम है, फर्श तचता है, पैर जलता है, इसलिए ये श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था कराई गई है। इसके अलावा जगह जगह आपको डॉक्टर्स की व्यवस्था, उनके स्टॉल मिलेंगे, ORS घोल की भी बड़ी अच्छी व्यवस्था कराई है ताकि कोई हमारा श्रद्धालु यदि अशक्त है या बीमार है और उसको किसी मदद की आवश्यकता है तो वो उपलब्ध रहेगी उसको। और मैं इस दिशा में प्रयत्नशील हूँ कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको उनके सहयोग से, मैंने एक अपील भी कल की थी कि जितना अच्छा सहयोग यहाँ के श्रद्धालु हम लोगों के साथ में करेंगे उतनी अच्छी व्यवस्थाएं हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और ईश्वर कृपा से आप देख रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं, उनका पूरा सहयोग जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को मिला है और आप देखते हैं कि लाइन से ही सब दर्शन हो रहा है। और यहाँ का भी आज का जो मुख्य कार्यक्रम है भगवान राम के जन्म का, जन्मोत्सव का, वो सकुशल संपन्न हो रहा है। जिला टीकमगढ़ से आए हैं और बमौरी कला के का नाम पप्पू पाठक जी लाए हैं। सनोनिया के हम, तहसील पृथ्वीपुर है, थाना निवाड़ी है, पोस्ट सनोनिया है। आप करने क्या आए हो यहाँ पे? बधाई बधाई करने आए सर। सर बधाई हो रही है रामलला की। ऐसा भेष क्यों रखे हैं आप? रामलला की बधाई हैं, अच्छी लगती हैं हमको। रामचंद्र जी अच्छे लगते हैं हमको। अरे जी भेष ऐसा भेष जे का नाम इसमें आते हैं, जे का नाम लोकगीत और ये बुंदेलखंड भजन में राग संगीत इसमें आते हैं।
कैसे आप राम का महोत्सव मना रही हैं? अरे आज तो बहुत मजा आया, भगवान राम का जन्म हो रहा है, हम लोग सब बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, इसीलिए हम लोग ग्वालियर से आए हुए हैं खुशियाँ मनाने के लिए। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित सिद्धपीठ जगत जननी माँ पूर्णगिरी देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर मौसम में भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि माँ पूर्णगिरी देवी के दर्शन कर लेने मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए देश विदेश से हजारों की संख्या में भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। माँ पूर्णगिरी देवी की भक्ति से प्रेरित होकर फिल्म निर्देशक व मुख्य कलाकार राज ने अपने सहयोगी व आदर्श रहे भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा, निर्माता राजेश खन्ना, अन्य साथियों की मदद से माँ पूर्णगिरी पर एक फिल्म बनाई, जो आज पीलीभीत के विशाल सिनेमा घर से रिलीज की गई। इस अवसर पर फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार के साथ पूरी यूनिट मौजूद रही। पीलीभीत से ऋतिक त्रिवेदी की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश में योगी जी की सरकार है जी, माँ पूर्णगिरी की भक्ति फिल्म के लिए आपको उनसे क्या अपेक्षा है? जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी आज ही हमारी मूवी माँ पूर्णगिरी रिलीज हुई है आपके पीलीभीत में विशाल सिनेमा के अंदर, और हम लोगों ने धार्मिक फिल्में बनाई है। जैसा कि हम लोग मानते हैं कि देवभूमि बोलते हैं उत्तरांचल को, यूपी को, ये सारा क्रेडिट जितना भी जाता है, ये सारा क्रेडिट हमारे लखा जी अभी बॉम्बे से होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे बीच में, और यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ के उत्तराखंड गवर्नमेंट का और यूपी गवर्नमेंट का भी एक कर्तव्य बनता है कि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनको अपनी तरफ से सपोर्ट करें, जिस भी तरह की सब्सिडी है सब्सिडी को हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री के लोग आकर के यहाँ पर यहाँ के अलग अलग लोकेशन का लाभ उठा सकें और दुनिया भर में हम लोग दिखा सकें इन चीज़ों को, इसे सबको फायदा होगा। रामनवमी के अवसर पर लक्ष्मणगढ़ में प्रभु श्री राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद और उसकी सहयोगी इकाई महिला व युवा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में सिद्धपीठ श्री रघुनाथ जी के मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा में आगे ही आगे प्रथम पूज गणेश जी की झांकी के साथ घोड़ों पर राम लक्ष्मण बने बालक सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्र पर आधारित झांकियों के पीछे बैंड मधुर धुने बजा रहे थे। बड़ी संख्या में कतारबद्ध मातृशक्ति सजे हुए मंगल कलश थामे लाल पीले वस्त्रों में यात्रा की शोभा को और बढ़ा रहे थे। शेघावाटी के लोकप्रिय भजन गायकों द्वारा गाए जा रहे थे। भजनों ने पूरे नगर को राममय कर दिया। जगह जगह श्रद्धालुओं के जत्थों ने आरती उतार कर प्रभु की पूजा अर्चना की। अपने आप में अनूठी यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस श्री रघुनाथ जी के बड़े मंदिर पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। खरगोन शहर के गंगाधाम कॉलोनी में गत रात को अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए नगद सहित सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। किराए से रह रहे विशाल भावसार गणगौर पर्व मनाने के लिए मामा के यहाँ अजंड गए हुए थे। इस दौरान सूना मकान देखकर अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे 10,000 नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी करके ले गए। विशाल भावसार ने बताया कि मकान मालिक ने सूचना दी थी कि मकान के ताले टूटे हैं, आकर देखा तो कमरे में रखी अलमारी का सामान बिखरा हुआ था और अलमारी में रखे नगद सहित सोने चांदी के आभूषण ले गए। लगभग 60,000 की चोरी होना बताया जा रहा है। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। रात में आज और मुझे पड़ोसी का फोन आया था, यानी हमारे मकान मालिक का ही फोन आया था, यानी कि भैया आप लोग कहाँ पर हो, तो बताया कि मैंने बताया था हम गणगौर के लिए मामा के वहाँ आए हैं, तो बोले आपके घर जाओ बोले, और मुझे ताले टूटे हुए हैं, तो मैंने आया तो मैंने देखा तो पूरे सब मेरे 4-5 ताले लगे हुए थे। कहाँ गए थे आप गणगौर मनाए? अंजड़। आप अंजड़ के रहने वाले हैं? नहीं, अंजड़ के नहीं रहने वाले, अंजड़ मेरे मामा का घर है, मामा के घर है। क्या क्या लेगा कमरों में से? कैश था अलमारी के अंदर, कुछ नहीं हाथ लगाया, सिर्फ कैश लेके गए है और आभूषण लेके गए है, पांजब लेके गए हैं। लगभग कितने की चोरी हुई? 50-60 हज़ार रुपए की चोरी है। रिपोर्ट किया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।